मेरा अंतिम प्रयास था, चौथा प्रयास। तो आप लोग मुझसे कुछ सीखे ना सीखे, ये चीज जरूर सीख सकते हैं कि बहुत धैर्य के साथ और बहुत विश्वास के साथ मैंने ये तैयारी किया और फाइनली मैंने सक्सेस अचीव किया। और जैसा मनीष जी ने कहा कि बिहारियों के अंदर बहुत जज्बा होता है और बहुत किसी भी चीज करने का जोर होता है, तो मैं भी तैयारी हूँ और उसी जुनून से मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की तैयारी करता था और फाइनली आई हैव मेड इट थ्रू एंड आई हैव बिकम एन IAS। तो आप लोगों के अंदर भी मैं वही जुनून वही जज्बा देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी चीज में आपकी इच्छा होगी उसमें आप जरूर सफल होंगे। तो तो मैं चाहता हूँ कि अपने बारे में मैंने थोड़ा जो बताना था वो बता दिया। उसके अलावा जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा कर रहे हैं, का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो IIT इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके प्रश्न के थ्रू ही मैं आप लोगों को ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो एक एक करके अगर आप प्रश्न पूछे तो मैं कोशिश करूंगा जो आपके प्रश्नों का सवाल जवाब दूं। बताइए से पूछिए। सुनाई दे रहा नहीं होता तो मेरे पास एक ONGC की नौकरी थी जिसे मैं कंटिन्यू कर सकता था। तो वो थोड़ी का जो आपने एग्जांपल दिया वो ठीक है, लेकिन अगर आप नौकरी करेंगे या कुछ और हायर स्टडीज कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा जो कि सिविल सर्विसेज प्रोफेशन में आपके लिए काफी लाभप्रद होगा। और जब साक्षात्कार के लिए आप लोग जाएंगे तो वहां भी आपसे पूछा जाएगा जो ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर रहे थे। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो वो काफी नेगेटिव समझा जाएगा, क्योंकि ये बस एग्जामिनेशन है, इसका बहुत बड़ा रूप हुआ बना देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप नौकरी या हायर स्टडीज, जैसे आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी एक ऑप्शनल ले सकते हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आप अगर नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी के पोस्ट ग्रेजुएशन करें और साथ साथ 2013 में जो आपका अपना अटेम्प्ट है उसको दीजिए। सर UPSC की तैयारी में कोचिंग कितनी भूमिका है और है तो फिर किसके संक्षेप में कुछ लेना चाहिए और साथ ही क्या UPSC की तैयारी करने के लिए कोचिंग अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम अभी पार्ट वन का एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन पार्ट जी ठीक कहाँ से मेरा। और मेरे साथ नेगेटिव है कि हमारी पर्सनैलिटी खराब हुआ है तो उनको डाउट रहता है कि मेरा यार पता नहीं है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कोचिंग के बारे में उन्होंने पूछा है, कोचिंग का हेल्प तो मिलता है क्योंकि मैंने भी कोचिंग किया है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे ऑप्शंस हैं समाजशास्त्र और लोक प्रशासन जो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है। तो कोचिंग तो मैंने किया और मुझे हेल्प भी मिला, लेकिन अगर कोई आपको गाइड करने वाला हो, बताने वाला हो कि ये पुस्तक पढ़े, ये चीज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प होगा, तो कोचिंग की बहुत आवश्यकता नहीं है। और दिल्ली पटना पहले बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, अभी दिल्ली में बहुत बड़ा सेंटर बन गया है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का,
तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए तो कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन जब पार्ट वन की ही है और तब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत लोग अपने बलबूते पे भी करते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो बात आपने कहा, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको गायत्री परिवार ने प्रोवाइड किया है। इसको यूटिलाइज करते हुए डिबेट इंटरव्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर आपको अपना माध्यम हिंदी ही रखना है तो हिंदी ही रख के अच्छा कर सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है कि इंग्लिश में ही लोग ज्यादा उत्तीर्ण होते हैं, हिंदी से भी टॉप रैंकर्स होते हैं। सर, जैसा कि अभी देखा गया है कि सिविल सर्विसेज के जो रिजल्ट आए टॉप 15 इंजीनियरिंग के ही छात्र हैं, इसका क्या कारण है कि लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद यूपीएससी में जाना चाहते हैं? और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं ज्योग्राफी ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ और बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ और पीओ बनने के बाद यूपीएससी में जाना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा है कि इतने साल जॉब करने के बाद आप यूपीएससी निकाल रहे हैं, तो क्या आपकी टाइम रूटीन्स थी, कैसे आपने पढ़ाई की, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो जॉब मतलब इंजीनियरिंग वाले ही ज्यादा कम्पीट करते हैं, बल्कि प्रतिशत तो ज्यादा है इंजीनियर्स का। तो इसकी बहुत सारे रीजंस है। हो सकते यूपीएससी में कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी टेस्ट होता है, तो उसमें इंजीनियर्स काफी अच्छा करते हैं। जैसे प्रिलिम्स की ही बात करेंगे तो प्रिलिम्स में लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करते हैं। और आर्ट्स साइड से भी बहुत लोग कम्पीट करते हैं। मेरे ही बहुत मित्र हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके फिर फाइनली मिले। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंजीनियर ज़्यादा आते हैं। और जॉब के साथ प्रिपेयर मैंने किया क्योंकि एक हमेशा था जो प्रिपेयर करना है। जॉब 8 या 10 घंटे का होता है, उसके बाद जो अगर आप 3-4 घंटे भी देते हैं, एटलीस्ट न्यूज पेपर भी अगर आप पढ़ लें हर दिन, वो भी काफी है। और जब एग्जाम के समय आता है तो आप छुट्टी तो नहीं सकते हैं, तो मुझे काफी समय लगा, इसलिए मेरा अंतिम प्रयास था। और ONGC में मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ 14 days ऑन ऑफ था, मतलब 14 दिन का मुंबई हाई में रहता था और 14 दिन कंप्लीट के मुझे छुट्टी मिलता था। तो वो 14 दिन को मैंने काफी यूटिलाइज किया सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। तो इस मामले में मैं काफी लकी था, जो ONGC की नौकरी थी तो 2.5 साल से मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, वो 14 दिन कंटिन्यूटी मैं यूटिलाइज कर रहा था प्रिपरेशन के लिए। तो आप अगर कहीं भी नौकरी करेंगे तो अपना लाइफ स्टाइल को आपको एडजस्ट करना होगा, और एक फोकस और गोल अगर रहेगा तो जरूर आप सक्सेस करेंगे। बिकॉज देयर इज अ सेइंग, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो आई आल्सो बिलीव इन दैट एंड यू शुड आल्सो बिलीव इन दैट। यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा में पैटर्न चेंज कर दिया है। उसमें पहले एक ऑप्शनल हुआ करता था और एक जनरल स्टडीज का पेपर हुआ करता था। तो ऑप्शनल हटा के यूपीएससी ने सी सेट लाया है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मेरे पास प्रश्न पत्र भी पड़ा हुआ है, वो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो उसमें 80 questions हैं, जनरल एप्टीट्यूड का पैसेजेस दिए हुए हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी के टेस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है, और ऑप्शनल हटा दिया गया है। ये अभी प्रीलिम्स में हुआ है। आगे ये विचार भी है यूपीएससी में कि मेंस में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल स्टडीज रहेगा। जो अभी ऑप्शनल सिस्टम है, दो ऑप्शनल रखते हैं आप और एक जनरल स्टडीज और ऐसे का पेपर रहता है, तो ऑप्शनल हटाने का भी है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में उभरा है, क्योंकि इस बार 2700 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, उसमें से 1600 लोगों को ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ऑन इट्स ओन पैटर्न इज कमिंग अप इन अ बिग वे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए जब आप IAS बनेंगे तब भी बहुत रेलेवेंट हुआ, क्योंकि वही चीज आपको पढ़ना है। थोड़ा जोर से आवाज नहीं है। हाँ,
आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप एएमआई जो होता है उससे इंजीनियरिंग कर सकते हैं ना, नौकरी करते हुए, और वो एलिजिबिलिटी है। यूपीएससी अगर आप देना चाहते हैं तो एएमआई जैसे अगर आपने कर लिया इंजीनियरिंग तो आप उस दे सकते हैं सिविल सर्विस। क्योंकि मैं ओजीसी में था तो वहाँ बहुत लोगों ने एएमआई से इंजीनियरिंग करके डिप्लोमा करके ज्वाइन किया जेई में जूनियर इंजीनियर लेवल पे, और फिर एएमआई से डिप्लोमा करके और वो हमारे लेवल पे आ गए इंजीनियरिंग के लेवल पे। तो आप बहुत सारे पीएसयूज का आते रहता है जो डिप्लोमा वाले के लिए, तो वहाँ जॉब करें और आपको इन्फॉर्म करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर आप अपना एएमआई का एजुकेशन जो है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है 3 साल का होता है पेपर्स क्लियर करने होते हैं 3 इयर्स। अच्छा अच्छा क्या हो सकता है?